हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। लेकिन आज हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। आज तीज है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। सो आज जितनी भी फीमेल्स मेरे चैनल को देख रही हैं, उन सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड सभी को, नॉट ओनली मेल एंड फीमेल, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज की जो हमारी बातचीत है वो थोड़ा सा एक रोल मॉडल कहें, एक इंस्पायरिंग स्टोरी कहें। सो आज हम एक ऐसी इंडियन फीमेल की बात कर रही है करेंगे दैट विल इंस्पायर यू टू डू बेस्ट इन योर लाइफ। ठीक है, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, हाँ, मेहंदी हो गई, नेल पेंट हो गई, चूड़ियाँ हो गई, सब हो गया। अब बात करते हैं, आज तीज है तो कुछ बात करते हैं ऐसी फीमेल्स की जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई, ऐसी इंडियन फीमेल की जिन्होंने ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को एनकरेज किया कि इफ़ शी कैन ड्रीम शी कैन फ्लाई हाई, इफ़ शी कैन ड्रीम शी कैन डू एनीथिंग। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं। सो आज मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स कहने की आदत हो, लेक्चर स्टार्ट होते ही माई डियर स्टूडेंट्स, है ना, लेकिन जो भी है चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम एक ऐसी फीमेल की बात करें जिन्होंने ओनली 10,000 से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, एंड आज वो जो कंपनी है ग्लोबली इट हैव अ 13,000 करोड़ टर्नओवर। और अगर इस कंपनी की बात करें तो 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी का नाम है बाइकॉन। ठीक है, बाइकॉन कंपनी जो कि किरण मजुमदार शॉ ने एस्टेब्लिश की, एंड हम कह सकते हैं कि दैट वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल दैट इज सेल्फ मेड बिलियनियर। ठीक है, जिन्होंने नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली उन्होंने हमारी कंट्री का और हमारी कंट्री की फीमेल्स का नाम रोशन किया। चलिए थोड़ा सा इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, दैट विल इंस्पायर अस ऑल फीमेल्स। सो दिस इज़ अ तीज स्पेशल वीडियो फॉर एवरी फीमेल, एवरी गर्ल दैट इज वॉचिंग, एंड दिस डे इज नॉट ओनली टू सेलिब्रेट इन द फॉर्म ऑफ मेहंदी, चूड़ी एंड ओनली ड्रेस, बट इट इज़ समथिंग एट अ हाई लेवल। तो कुछ ऐसी डिस्कस करते हैं जो हम सभी को इंस्पायर करें। तो मैंने ये स्टोरी पढ़ी और मुझे ये बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं। सो किरण मजुमदार शॉ, जो आज की डेट में शी इज़ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इन बाइकन लिमिटेड एंड बाइकन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड इंडियन रिचेस्ट सेल्फ मेड बिजनेस वूमेन, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इफ यू टॉक अबाउट हर बर्थ, तो शी बॉर्न ऑन 23 मार्च 1953 इन पुणे महाराष्ट्र, एंड शी बॉर्न अप इन अ गार्डन सिटी बेंगलोर। वो बेंगलोर में ही पली बड़ी, वहीं उनकी पढ़ाई हुई, उन्होंने अपने हाई स्कूल की स्टडी वहीं से की, बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल से। उसके बाद उन्होंने माउंट कार्मल कॉलेज, जो कि बेंगलोर की यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वहीं उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की जॉलजी से 1973 में। उसके बाद वो अपनी मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स में उन्होंने ब्रीविंग कोर्स किया जो उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया से, एंड दैट इज़ फ्रॉम बैलेट कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया। एंड फिर उन्होंने एक दिन रियलाइज़ किया कि शी कैन बिकम अ लेडी ब्रीविंग मास्टर। लेकिन अपने इंडिया में ब्रीविंग इंडस्ट्री इज़ अ इंडस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू अल्कोहलिक बेवरेजेज एंड ऑल। ठीक है, जहाँ वाइन एंड बियर ये सब चीज़ें बनती है, तो हमारे इंडिया में ब्रीवर मास्टर इन फीमेल्स को तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था उस समय में। तो और उन्होंने बायोटेक से रिलेटेड जो अपना काम स्टार्ट करना था उसके लिए किसी बैंक ने उनको लोन नहीं दिया, क्योंकि बायोटेक को उस समय में कोई जानता ही नहीं था कि बायोटेक क्या है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, शी टेक एंड गैरेज ऑन रेंट, उन्होंने एक गैरेज लिया रेंट पे और वहीं पर अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया। और उनकी वो जो उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी गैरेज के अंदर रेंट पे, वहाँ उन्होंने टू जो गैरेज में काम करने वाले रिटायर्ड टू पर्सन थे, उन्हीं के साथ उन्होंने एज अ एम्प्लॉयर उनको अपने पास रखा, और इस तरीके से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, यू कैन इमेजिन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और वो बड़ी डिसअपॉइंट भी हुई कि हमारे इंडिया में लेडी ब्रीवर मास्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या उनको उतने रिस्पेक्टफुली नहीं देखते हैं, या बायोटेक के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं।
लेकिन एक दिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। तो शी मेट अ पर्सन, उनको एक पर्सन मिले बाद, दैट वॉज द फाउंडर ऑफ बाइकन कंपनी इन एरिश कंपनी, ठीक है। और वो इंडिया में भी अपने एक सब्सिडरी कहें या ब्रांच कहें, वो इंडिया में भी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। एंड शी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। उसको उन्होंने बोला कि यस, आपकी ये जो सब्सिडरी है, ये जो ब्रांच है, इसको मैं यहाँ पर हैंडल करूँगी। लेकिन अपने इंडिया में कुछ लॉज हैं। क्या लॉज हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है फॉरनर्स के लिए, कि वो 30% कंपनी के ऑनर बन सकते हैं। नेक्स्ट 70% जो कंपनी का जो ब्रांच यहाँ खुल रहा था उसकी किरण ही उनकी, ठीक है, किरण मजुमदार शॉ ही 70% ऑनरशिप उनके पास थी, और 30% ही वो जो पर्सन थे उनका नाम लेसी लेस्ले, LESLIA, ठीक है। तो किरण ने उनका ये प्रपोजल मान लिया और उन्होंने एक नई सब्सिडरी इंडिया में स्टार्ट कर दी। तो वहाँ क्या चीज़ें पे काम होता था, पहले मैंने आपको बताया उनके फर्स्ट टू एम्प्लॉयज़ कौन थे वहाँ पर, 2 रिटायर्ड मैकेनिक्स थे। तो उन्होंने अपना स्टार्टअप ऐसे स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद पहले ही साल में उनकी कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा आया। तो उन्होंने 25 एकड़ लैंड ले ली अपनी कंपनी के लिए। फिर धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया और उन्होंने अपनी खुद की ही एक जो है ब्रांच एस्टेब्लिश की इंडिया में। और 1987 में शी इन्वेस्टेड हेवनली इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो कि एक एनरोबिक रेस्पिरेशन टेक्नोलॉजी है, दैट टेक्स हेल्प ऑफ ईस्ट एंड ऑल, ठीक है। जो मेडिकल से रिलेटेड जो फीमेल्स हैं या जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन हैं, वो मेरी बातों को समझ रही होंगी। सो आप सभी ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक कंपनी जो पहले एक फॉरनर के साथ उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें 70% ऑनर वो थी और 30% ऑनर वो फॉरनर थे, लेकिन बाद में कम्प्लीटली उन्होंने ही उसको ओवरकम कर लिया। या आप कहें उन्होंने खुद की ही एक नई जो है ब्रांच ओपन कर ली। तो 1998 में शी बिकेम अ रिमार्केबल ईयर फॉर द बाइकन्स कंपनी एंड किरण हिस्ट्री। किरण बिकेम द सोल ओनर ऑफ द कंपनी 1998, ठीक है। देन किरण टाइड अ नॉट विद जॉन शॉ, जो कि एक चेयरमैन थे स्कॉटलैंड बेस्ड टेक्सटाइल फर्म के। तो उन्होंने जॉन शॉ से मैरिज कर ली एंड बाइकन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा एक्सपेंड उन्होंने किया। और आज की डेट में अगर हम बात करें, जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट इंसुलिन है, जो कि कितने सारे डायबिटिक पेशेंट के लिए होप की तरह, एक बूंद की तरह, एक वरदान की तरह साबित हुआ, तो इंसुलिन, फर्स्ट रिकम्बिनेंट इंसुलिन जो है इनकी कंपनी ने ही बनाया था, ठीक है। और जो इनकी बाइकन कंपनी है, दैट इज़ द थर्ड कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड दैट हैव दिस रिकम्बिनेंट इंसुलिन फॉर्मेशन। और आज हम बाइकन कंपनी की बात करते हैं, तो टुडे बाइकन इज़ इंडियाज लार्जेस्ट बायोटेक कंपनी। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, बायोटेक कंपनी है। एशिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंसुलिन की, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा इंसुलिन इसी कंपनी से प्रोड्यूस जो है किया जाता है। सो इनोवेशन की बात करें, सो इन्होंने एक तो सबसे पहले शी क्रिएटेड इंसुलिन दैट इज़ कॉल्ड ट्राइगोपिल एंड इफेक्टिव इन बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। और इनको पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला, 2005 में भी मिला, 1989 में भी इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मिला था, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस कंपनी की बात है, ये लो कॉस्ट ड्रग्स जो बनाती है, तो लो कॉस्ट ड्रग्स मतलब दैट इज़ अफोर्डेबल टू मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया। और 2004 में यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने जो है स्टार्ट किया। मजुमदार शो ने कैंसर सेंटर भी एक बेंगलोर में खोला, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, और यहाँ पर जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो इजीली अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही कॉस्टली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियाज फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर एंड इंडियाज फर्स्ट फीमेल बिलियनेयर, दैट इज़ द रियल वूमेन, रियल मीनिंग ऑफ वूमेन एम्पावरमेंट। तो आज के दिन, तीज के दिन, हम सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वट एवर वी डू इन अवर लाइफ, हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, वी विल गिव अवर बेस्ट एंड वी शुड
be an example for someone and we can inspire someone. Goodbye everyone. Happy Tej once again. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.